कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कि चैत्र मास की 2023 में जो अमावस्या तिथि है, यह प्रथम अमावस्या तिथि भौम अमावस्या आ रही है, तो इसी विषय पे आज आपसे चर्चा करते हैं। 21 मार्च 2023 मंगलवार को भौमवती अमावस्या का विशेष महत्व भी बताया गया है। वैसे तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो भौमवती अमावस्या और शनि अमावस्या, इन दोनों का ही विशेष महत्व होता है, जिसको हम लोग शनिश्चरी अमावस्या और भौमवती अमावस्या कहते हैं। इनका बहुत ही महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। और इसकी अगर हम योग की बात करें तो ये इसका शुभ योग 20 मार्च 2023 को शाम को 4:21 से प्रारंभ हो रहा है, और जो कि 21 मार्च 2023 को प्रातः 12:42 तक शुभ योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग की अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च 2023 को शाम को 5:26 से लेकर के और 22 मार्च 2023 सुबह में 6:23 तक इसका योग रहेगा। और अगर हम और आगे चर्चा करें तो भौमवती अमावस्या, इस अमावस्या पर जिस तरह से कोई प्रेतात्माएं होती हैं, किसी की आत्मा को शांति नहीं प्राप्त होती है, तो उनके लिए विशेष पूजन इत्यादि का विधान भी इस अमावस्या पे बताया गया है। भौमवती अमावस्या के संयोग से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं, जो आज भौमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कार्य को करते हैं। तो भौमवती अमावस्या के दिन विशेष पूजा करने का भी विधान होता है, जिसमें हनुमान जी महाराज की पूजा करने का विशेष प्रावधान भी बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी महाराज करते क्या है, नाशय रोग हरे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कष्टों को दूर करने वाले हैं और भूत प्रेत इत्यादि को दूर करने वाले। तो इस दिन ये भौमवती अमावस्या पड़ रही है, तो इसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों के पूजन इत्यादि कार्य को करना चाहिए, जिससे समस्त प्रकार की सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि ये भौमवती अमावस्या कब हमको किस तरह से पूजन करना चाहिए और कब है, तो 21 मार्च को भौमवती अमावस्या पड़ेगी। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम सभी को इस दिन पूजन इत्यादि करना चाहिए, पितरों की आत्मा की शांति हो और आपके घर में सुख सुविधाओं का सुंदर सा योग बने। मित्रों, अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ एक अनुष्ठान से रिलेटिव कोई चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारे ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा समस्त प्रकार के अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।